आज हम बात करेंगे कनाडा में आप अपना अर्ली रिजल्ट्स कैसे ले सकते हैं। पीछे मैंने वीडियो में बताया था कि आप वेब फॉर्म रेज करके अर्ली रिजल्ट्स ले सकते हैं, उसकी डिटेल भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्यूटर पर दिखा के कि आप वेब फॉर्म रेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का बाद में भी ये हमें क्वेश्चन मिला है कि वेब फॉर्म अभी भी हमारे से रेज नहीं हो रहा, तो उसकी डिटेल आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. Hello everyone, मैं कपिल भाटिया Bells Overseas से। Bells Overseas से आप हमें कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो जैसा कि कनाडा में चाहे आपका विजिटर वीजा लगा है, टूरिस्ट वीजा है, चाहे आपका स्पाउस वीजा है, चाहे आपका वर्क परमिट है, तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट्स हैं वो डिले हो रहे हैं, आपका जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं आ रहे जो आपका टाइमलाइन दी हुई है कनाडा ने। जैसे कि सपोज स्टडी वीज़ा अगर आपका 25 डेज उन्होंने बोला कि उसमें रिजल्ट्स आ जाएगा, उसमें अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपकी फाइल बैकलॉग में ही जा रही है। हालांकि स्टडी वीज़ा में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिजल्ट्स तो 15 डेज में ही आ रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है विजिटर वीज़ा में। टूरिस्ट विजिटर वीज़ा में रिजल्ट्स डिले हो रहे हैं, और सेकेंडली स्पाउस वीज़ा में बहुत ज़्यादा डिले है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो वर्क परमिट वाले हैं उनकी भी डिले हो रही है एप्लीकेशंस। तो उसका तरीका क्या है, क्योंकि आपकी जो फाइल है वो बेसिकली बैकलॉग में चले गई है, बैकलॉग से वापस लाने के लिए आपको एक वेब फॉर्म रेज करना पड़ेगा। वेब फॉर्म का मैं आप स्टेप बाय स्टेप अभी आपको बता रहा हूँ, आपके मेरे बोलने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप आपका चलेगा, वो आप पूरा स्टेप फॉलो करके आप अपना वेब फॉर्म रेज करेंगे तो आपका रिजल्ट्स विद इन 15 डेज आने की उम्मीद है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा पेज ओपन होएगा जिसमें आपने सबसे पहली ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे है अपडेट और आस्क अबाउट योर एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करोगे उसके बाद एक ऐसा पेज ओपन होएगा जिसमें हमने जो भी हमारी क्वेरी है उस रिगार्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है कैटेगरी। जैसे हमने करना है चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस, इसमें हमने अपडेट करना है जो भी हमारी क्वेरी वगैरह है वो। सी डिटेल्स पे जाओगे, उसके बाद कंटिन्यू टू फॉर्म, हु आर यू, आई एम द प्रिंसिपल एप्लीकेंट, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको रेलिवेंट है आपकी कैटेगरी। सबसे पहले आई एम द प्रिंसिपल एप्लीकेंट, तो उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने अपनी सारी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। फिल करने के बाद जो भी आपकी क्वेरी है यहाँ पे आपने लिखनी है, उसके बाद रिव्यू योर रिक्वेस्ट करना है, तो आपके पास आपकी जो भी आपने फिल करा हुआ है इन्फॉर्मेशन वो आ जाएगी, वो आपने रीचेक करनी है, देन वेब फॉर्म सबमिट कर देना है। Bells Overseas, the sound of your future.